नमस्कार, मैं हूँ पूनम और अनमय डिश पर आपका स्वागत है। आज की रेसिपी विंटर स्पेशल है। पोंग या टेंडर जवार या फिर महाराष्ट्र में इनको हुरडा के नाम से भी जाना जाता है, तो आज मैं इसका ही इस्तेमाल करने वाली हूँ रेसिपी में। तो आइए आज बनाते हैं हुरडा वड़ा शॉर्ट्स। नॉर्मल वड़ा या पैटी से अलग सर्व किया है मैंने, बस कुछ बूंद ऑयल से ही यह हेल्दी डिश बन जाती है। हुरडा एक सुपर हेल्दी और न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ ग्लूटेन फ्री फूड भी है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं हुरडा वड़ा शॉर्ट्स बनाने की विधि को। तो सबसे पहले हुरडा पोक या फिर टेंडर जवार को भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में आधा चम्मच ऑयल डाल देते हैं। अब मैं एक कप हुरडा को पैन में डाल देती हूँ। 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए हुरडा को भून लेते हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुरडा पार्टी जोरों शोरों से चलती है। छोटे छोटे खेत या फिर रेस्टोरेंट में हुरडास को सर्व किया जाता है। वैसे तो हुरडा से कई डिशेज बनती हैं, पर आज मैं आपको सिंपल सी डिश बता रही हूँ। देखिए हुरडा भुनकर तैयार है। अब मैं हुरडा को निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप मटर लिए हैं, मटर को भी 2 मिनट तक भून लेंगे। सर्दियों में जो मटर मिलते हैं उनकी टेस्ट थोड़ी मीठी होती है। मटर एक न्यूट्रिशियस फूड तो है ही, पर साथ में इसमें अच्छा खासा प्रोटीन भी पाया जाता है। इसका नटी फ्लेवर जो है वो वड़ाज में एक अलग सा टेस्ट देता है। मटर भुनकर तैयार है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप मटर के साथ 2 बड़े चम्मच तिल को भी भून सकते हैं। अब मैं ग्राइंडर जार में हुरडा मटर, आधा कप गाठिया सेव लिए मैंने, वो डाल देती हूँ। अगर आपके पास गाठिया सेव ना हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डालें, या फिर वो भी नहीं है तो आप रोस्टेड चना दाल डाल सकते हैं। हरा धनिया आधा कप। यहाँ पे मैंने 1/4 कप फ्रेश लहसुन के ग्रीन्स और लहसुन को बारीक कट कर लिया है वो डाल दूंगी। फ्रेश लहसुन ग्रीन्स और लहसुन के पत्ते ये इस सीजन में ही मिलते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने टेंडर जवार को दरदरा पीस लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब कुछ मसाले और नींबू का जूस मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का जूस डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, काला नमक आधा चम्मच, सादा नमक स्वादानुसार डालें, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इस मिक्सर के छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। सारे वड़ास तैयार है। आप चाहे तो इनको फ्राई कर सकते हैं, पर मुझे इनका रोस्टेड फ्लेवर पसंद है तो मैं इनको अप्पम के पैन में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक अप्पम पैन लिया है और इसके थोड़े से ड्रॉप डाल देंगे। अब मैं इन हुरडा बॉल्स को ऑयल के ऊपर रखकर रोस्ट कर लूँगी। सारे साइड से अच्छे से भून ले। हुरडा के वड़ा अच्छे से भुनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इनको ऊपर अच्छा सा कलर आया है। अब मैं इन वड़ास को निकाल लेती हूँ। इन वड़ास को सर्व करने से पहले एक डिप बना लेते हैं। एकदम आसान सा डिप है ये। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच हंकड़ लिया है। अब इस कर्ड में मैं 1 बड़ा चम्मच सेजवान सॉस का डाल दूंगी। सेजवान सॉस की मात्रा आपके पसंद अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रीमी होने तक फेंट लेंगे। बस रेडी है डिप सर्व करने के लिए। मेरे पास इस टाइप के ग्लासेस हैं, आप शॉर्ट ग्लास या फिर बोल में भी सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेयर जाएगा मिंट मेयोनीज का। अब मैं ऊपर से सेजवान डिप डाल दूंगी। टूथपिक को वड़ा में डालकर इन वड़ास को डिप के ऊपर रखकर सर्व कर लेंगे। दिखने में जितने अट्रैक्टिव है उतने ही टेस्ट में लाजवाब भी है यह, और साथ में हेल्थ भी और सीजनल भी है। तो आप भी घर पर बनाएं और मुझे आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक टेस्टी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बाय बाय।